दोस्तों, आज हम एक रील की लाइफ को बढ़ा रहे हैं। देखिए जरा, ये अच्छे से साफ नहीं हो रहा था इसलिए पेट्रोल से कर रहे हैं। करने के बाद स्पूल इसका निकाल लिया है। फिर जो रस्टी बना है, जो जाम हो गए, उससे फ्री हो जाएंगे। इंटरनल बॉडी जो है उसके अंदर का जो भी फंक्शन होता है किस ये मुकेश साहब ने बुला लिया मेरे को। मुकेश साहब, इंजन का वो सिग्नल अलग जगह का मिला तो ट्रैक चेंज। ये हो गया, ये रॉड रेड आ गया, ये ब्लिंक कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। Okay. जो मशीन शिमानो का मशीन, पहले तो हम इसका जो स्लाइडर पिन का है, स्लाइडर पिन का कैप निकाल लिए साइड में। बंद कर ले क्योंकि इसका ऐसी फोटी भी लाना था मैंने। क्या लगे ना WD फो होगा फिर ये पेंट अपना है। पेट्रोल नॉब ही नहीं उसमें। वाओ, ये जो है ना, ये बूश है, उसको तो ज़्यादा निकालना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस सेट नहीं हो रहा है ना, इसके लिए उसको बाहर निकाल लिया अपन ने। अब इसमें से रील खोले तो इसको बूश को सिर्फ पूरी तरीके से अपन ने फिट कर लिया। उसके जो अपने को वॉश करना है, इसके लिए इसको बाहर रहने देंगे। यस, ये देखिए, अगर हम क्लीन वाटर में साथ आके लाइन में रील में फंस जाता पूरा। ये पिनियन गियर पड़ेगी। ये देखो, ये पूरी तरीके से ना उसमें कोई बचा ही नहीं। पिनियन गियर जैसा वो फिर से ऐसे सेम बैलेंस में रिट्राइव करते हैं तब रील और जो भी रस्टिंग हुआ है वो सभी को आप देख सकते हैं। पेट्रोल भी वो रिकॉर्डिंग हो रही है, 4K बाद में दिखेगा नहीं। जो है ये बहुत ज़्यादा खराब थी, इसके लिए हमने स्प्रे भी यूज़ किया बट उसमें इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं। क्लीन करके इसमें ग्रीसिंग कर लिए, अब इसमें इसको कनेक्ट कर। ओके, इसका कैप ऐसे लगा, यहाँ से उसकी डंडी सी बड़ी रही थी कि जो स्क्रूज है अलग अलग है, वो जहाँ चाहिए।